सिरसा में बीकेई प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने अपनी टीम के साथ नहराना जाकर चीन में 22 से 28 अक्टूबर तक हुई पैरा एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल विजेता प्रमोद बिजारणिया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और परिवार को बधाई दी। औलख ने बताया कि प्रमोद ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रमोद की इस उपलब्धि के लिए उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। औलख ने कहा कि खेत में रह रहे एक किसान के बेटे ने देश के लिए मेडल जीतकर अपने देश व किसान समाज का नाम ऊंचा किया है। युवाओं को नशे जैसे कुरीतियों से दूर रहकर खेलों में आगे आना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार, समाज व देश के लिए अपनी अच्छी भूमिका निभा सके। प्रमोद ने अपनी सफलता के लिए अपनी दादी अणचा देवी, पिता राम मूर्ति, माता भारती देवी, चाचा स्वर्गीय जिले सिंह व परिवार को बताया। आज हम प्रमोद बिजारणिया जी, जो पैरा एशियन गेम में चाइना में अपने देश का नाम रोशन करके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं, राममूर्ति बिजारणिया जी पूरे बिजारणिया परिवार को, पूरे नहराना गांव को बधाई देते हैं। हमारी भारतीय किसान एकता बीके की टीम आज हमारे बच्चे को सम्मानित करने के लिए आई है, क्योंकि इस बच्चे ने पैरा एशियन गेम में बहुत एक रूरल एरिया से ढाणी से उठकर, यह डाणी जो 3-4 किलोमीटर नहराना गांव से दूर पड़ती है, खेतों में डाणी है, इस डाणी से उठकर अपने किसान समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जो चाइना में भारत के झंडे बुलंद किए हैं, उसके लिए हम तह दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने देश के लिए हमारे बच्चे ने इतना कुछ किया है, भगवान इसको आगे भी जो गोल्ड मेडल के लिए आगे जितनी भी गेमों में हिस्सा ले, हमारे जो सिरसा जिले के ग्राम नहराना के ढानी, जो बिजारियों के ढानी हैं, उस ढानी के साथ साथ हमारे पूरे समाज का, किसान समाज का जो नाम रोशन करेंगे, ही हमारी कामना है। और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए दूसरे बच्चों को भी, एक जो बिल्कुल ढानी में रहकर हमारा बच्चा जो इतनी बुलंदियों को छुआ है जिसने, तो हर एक बच्चे को चाहिए इससे प्रेरणा लेते हुए अपने देश के लिए और समाज के लिए अच्छे कार्य करें, खेलों में हिस्सा लें, या किसी भी सेक्टर में अगर वो जाना चाहते हैं जाएं, तो उसमें कुरीतियों से दूर रहकर, नशे से दूर रहकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करें। तो पूरे परिवार को, बिजारी परिवार को, रिश्तेदारों को, साग संबंधियों को, पूरे गांव को, पूरे जिला सिरसा को और पूरे खेलों से प्यार करने वाले हमारे सभी साथियों को हम बधाई देते हैं कि ऐसा हमारा बच्चा जो 2014 में हादसे में इनकी एक हाथ जो चलती रही। प्रमोद के परिवार ने बताया कि 2014 में चारा काटने वाली मशीन से प्रमोद की दाई बाजू कट गई थी। उसके बाद पूरे परिवार ने प्रमोद को हौसला दिया, अच्छे शिक्षा व खेलों के प्रति प्रेरित किया। प्रमोद ने नेशनल खेलों में कई मेडल प्राप्त किए हैं। अब चीन में हुई चौथी पैरा एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान हासिल करते हुए अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। प्रमोद के इस जीत के बाद से ही प्रदेश भर के सभी युवा उनसे काफी प्रेरित हो रहे हैं। वो भी प्रमोद की तरह कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, जिससे उनका, उनके परिवार और प्रदेश का नाम रोशन हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।